मेरा नाम सैमसन है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज सवाकरा वरीद से आया हूँ। मेरा टॉपिक है नव युवा मांग नियंत्रण एवं मांग पूर्ति स्रोत। इसका मतलब ये हुआ कि आज के हमारे नए युवा है उनकी मांग पर कैसे नियंत्रण करें तथा उनकी जो मांगे हैं उनकी मांग की पूर्ति कैसे करें। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि उनकी मांगे हैं क्या। उनकी मांगे हैं जल, जमीन और बिजली। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस समय जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी प्रकार जल, जमीन और बिजली की मांगे भी बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें जमीन की तो आपने देखा होगा कि इस समय ज्यादातर सभी लोग अलग अलग घर बनाकर रहना पसंद करते हैं। अगर सभी लोग अलग अलग घर बनाकर रहना पसंद करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों में जमीन बचेगी। तो मैंने अपने इस मॉडल में अलग अलग घर बनाकर सिर्फ एक अपार्टमेंट बनाया है जिसमें की एक ही साथ लोग रह सकते हैं। अगर बिजली की बात करें तो आपको पता ही होगा कि इसमें ज्यादा सभी लोग ग्रीन बिजली उपयोग कर रहे हैं। अगर सभी लोग ग्रीन बिजली उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में ग्रीन बिजली बचेगी नहीं। तो मैंने अपने इस मॉडल में ग्रीन बिजली उपयोग न करके विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया है, जैसे सोलर पैनल, पवन चक्की, सोलर पावर स्टेशन और पावर हाउस। अब आपने देखा होगा कि इस समय पेट्रोल और डीजल की भी बहुत कमी होती जा रही है तथा इससे प्रदूषण भी बहुत फैल रहा है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए मैंने सोलर पावर स्टेशन बनाए हैं। जैसे कि जो कार और ई रिक्शा होती है जिनमें बैटरी लगी होती है वो हमारे इससे चार्ज कर सकते हैं। और हम जल की बात करें तो आपने कई लोगों के घरों में देखा होगा बहुत से लोग सब्जी उगाने के जो पानी होता है वो फेंक देते हैं, तो पानी हम ना फेंक रहे हैं टैंक में इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे अंडरग्राउंड समय से खेतों में पहुँचा रहे हैं जिससे कि पानी की बचत भी होगी, हमारा पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा। आपने हो गया, हो गया।